अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लजीज़ा की रस मलाई। बहुत ही मज़े की ये बनेगी। इसके लिए जो सामान चाहिए, हमें शुगर चाहिए, आलमंड चाहिए, हमें काजू चाहिए और इलायची चाहिए, हमें दो चार अदद उसे मैंने इसे कूट लिया था, और हमें मिल्क चाहिए तकरीबन हमें 1 लीटर से कुछ ज़्यादा मैंने मिल्क लिया था। अब मैं इसमें इलायची ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, और चीनी ऐड कर दूँ इसमें और इसे पकाएंगे। अब हम डो तैयार करेंगे रस मलाई बनाने के लिए। हमने एग लिया है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैंने फेंट लिया अच्छे से, और लजीज़ा रस मलाई का हमने पैकेट निकाल लिया और उसमें डाल दिया है। और इसमें हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके एग ऐड करेंगे और इसकी अच्छे डो तैयार करेंगे। एग हम एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हमें इसमें जितना इसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, और हम इसकी डो तैयार करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे हम आटे की डो तैयार करते हैं। थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए और हम हाथों की मदद से अब इसकी हम डो तैयार करेंगे। और एग हमें ज़रूरत पड़ी, हमने और एग इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने और ऐड किया इसमें, और इसे मिक्स करते जाएंगे। और अब देखें, माशाल्लाह से हमने हाथों की मदद से इसे बनाना डो को तैयार कर दिया है, और हमें लगे कि आपको हाथों को चिपक रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। मैंने भी ऐड कर दिया था और देखिए माशाल्लाह से कितनी शाइनिंग है इसमें। हम थोड़ा सा और ऑयल लेंगे और हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे हाथों की मदद से। हम थोड़ा थोड़ा इसमें से लेंगे, डो लेंगे और छोटे छोटे बॉल बनाते जाएँगे। और फ्रेंड्स, हमें इतना एहतियात करना है कि इसमें किसी किस्म का कोई क्रैक ना हो। अगर क्रैक खाएंगे तो फिर रसमलाई हमारी टूट जाएगी, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखें, दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं और इसे हमने इतना पकाया है कि ये तकरीबन हाफ रह गया है। 1 लीटर से ये दूध ज़्यादा था और तकरीबन ये 3 पाव रह गया है। माशाल्लाह से देखें, हमारे रसमलाई भी तैयार हो चुकी हैं। तकरीबन ये 15 तैयार हुई थी और डिब्बे पे लिखा होता है 15 से 18, तो मेरे ये 15 तैयार हुई हैं। और बारी बारी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा पकाएंगे, 5 मिनट इतना पकाएंगे, और ताकि ये थोड़ा फूल जाए और अंदर से भी नरम हो जाए। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट और पकाया इसको, और अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 बाय 1 हम इसे इसमें रसमलाई डालते जाएंगे, और अब इसमें ऊपर से आलमंड लगा देंगे हम माशाल्लाह से। और देखें, अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखें, अंदर से भी अच्छे से नरम हो चुकी है, इसमें येलो पन इसका जो है वो ख़त्म हो गया है। और आई होप आप लोगों को मेरी रसमलाई पसंद आई हो, और पसंद आई तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।